The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Exercise एक तरीके का stress है, physical stress है आपकी body में, and that's why the exercise needs to be challenging. So एक physical stress जब आपकी body को आप देते हो क्या जाता है कि आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, उस समय आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उस समय आपके हार्मोन सिक्रीट होते हैं उस समय, एंड योर जैसे ही आपने एक्सरसाइज रोकी 20 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, एक घंटे बाद, एंड यू रेस्ट, सो ऑल दैट सिस्टम कम्स डाउन टू नॉर्मल. सो आपकी बॉडी को वो आदत होती है कि ओके नाउ दैट स्ट्रेस इज गॉन, एक्सरसाइज इज गॉन, हमारे को वापस सब कुछ नॉर्मलाइज करना है. और जब दूसरे टाइप का स्ट्रेस आता है आपकी बॉडी में, सो आपकी बॉडी वापस चीज़ें एलिवेट करती हैं, आपके हॉर्मोन्स एलिवेट करती है, हार्ट रेट एलिवेट करती है, बीपी एलिवेट करती है, और वो जल्दी नीचे नॉर्मल आ जाएगा एज़ कम्पेयर टू जो पर्सन एक्सरसाइज नहीं करता, और वो कम ऊपर जाएगा बिकॉज आपकी बॉडी को स्ट्रेस की आदत होगी. स्ट्रेस की आदत होगी, अब तो आदत है मुझे ऐसे जीने में, सो इसीलिए ऐसे जीने की आदत डालिए, थोड़ा सा स्ट्रेस लीजिए बट माइंड नहीं, फिजिकल स्ट्रेस लीजिए. चीज़ें मत उठाओ क्योंकि पोस्चर ख़राब होगा तो पीठ की वाट लगा दोगे. सो एक्सरसाइज करो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टार्ट बीइंग एक्टिव, राइट. जब भी हम एक्सरसाइज करने के लिए लोगों को बोलते हैं, फर्स्ट थिंग पीपल से मैं तो वॉक करता हूँ. अच्छा, कितनी? मैं बाहर चार चक्कर लगाता हूँ, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, आधा घंटा, 15 मिनट, 1.5 घंटा. अच्छा, और बाकी सब क्या करते हैं? गाड़ियों में चलते हैं, साइकिल चलाते हैं, सब वॉक करते हैं, लिटरली सब वॉक करते हैं. सबको वॉक करना ही चाहिए. सो वॉकिंग इज नॉट अ चैलेंज, इट इज इफ यू आर वॉकिंग अपस्टेयर्स, इफ यू आर वॉकिंग ऑन अ स्टेयरकेस, सो वॉकिंग इज ओके. बट स्ट्रेस का मतलब है कि योर बॉडी नीड्स अ चैलेंज, राइट. किसी के लिए जो लेटा रहता है, जो बैठा रहता है, समबडी हु इज नॉट हैबिचुएटेड टू वॉकिंग विल फील दैट वॉकिंग इज अ चैलेंज. उसके लिए वॉकिंग जरूरी है, बट यू हैव टू स्टार्ट विथ वॉकिंग एंड देन इंक्रीज योर यू नो पैरामीटर्स. बढ़ाना है, स्पीड बढ़ाओ, लेंथ बढ़ाओ, टाइम बढ़ाओ, जॉगिंग कर लो, स्विमिंग कर लो, रनिंग कर लो, राइट. चैलेंज योर बॉडी, चैलेंज करते रहो. डेली नहीं करना है, मतलब डेली अगर डेली 5-5 मिनट बढ़ाओगे तो एक दिन आएगा जब 5 घंटे दौड़ना पड़ेगा. सो दैट्स नॉट द थिंग. सो यू कैन इंक्रीज द चैलेंज व्हेन योर बॉडी फील्स कंफर्टेबल. अगर आपकी बॉडी को लग रहा है कि मैंने एक्सरसाइज करी और आई एम कंफर्टेबल, देन इट्स नॉट सो मच ऑफ अ स्ट्रेस. सो आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेस देना है, राइट. सो स्ट्रेस कैन बी इंक्रीज बाय इंटेंसिटी और ड्यूरेशन, राइट. बस सो एक्सरसाइज करो आपके क्षमता के अनुसार. कई लोग वॉक ही नहीं कर सकते तो उनके लिए वॉकिंग एक्सरसाइज है. कई लोग जॉगिंग, भाई 20 साल का लड़का बोलेगा कि मैं आधा घंटा वॉक करता हूँ, बोलेगा क्या भैया, यू आर सपोज टू प्ले, यू आर सपोज टू प्ले फुटबॉल, यू आर सपोज टू रन फ्रॉम हियर एंड देयर, है कि नहीं. सो आधा घंटा वॉक करना इज नॉट एन एक्सरसाइज फॉर अ 20 साल का लड़का, राइट. अ जवान लड़का, उसको दौड़ना चाहिए. समबडी ऑफ दैट एज शुड रन, शुड डू मोर देन दैट, राइट. 60 साल के पर्सन को थोड़ी बोलेंगे भाई जा करो. सो इफ ही इज फिट वो करे, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, बट द बेसलाइन इज यू नीड टू चैलेंज योर बॉडी टू एक्चुअली अटेन दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो आपको आगे चल के स्ट्रेस से बचाएगी. सो दैट इज वन पॉइंट. द बिगेस्ट ट्रीटमेंट इज कंटिन्यूस चैलेंजिंग स्ट्रेस. कंटिन्यूस मतलब डेली और एटलीस्ट 5 डेज अ वीक. टोटल की बात करें एटलीस्ट पूरे हफ्ते में 2.5 घंटे की मॉडरेट एक्सरसाइज या 1.5 घंटे की इंटेंस एक्सरसाइज एक वीक में होना चाहिए. 1.5 घंटा इंटेंस या 2.5 घंटा मॉडरेट एक्सरसाइज. उसके लिए कई लोग कहते हैं कि हमारे 8 घंटे का जॉब है, हमारे 10 घंटे का जॉब है, मेरी तो परचून की दुकान है, मेरी तो कपड़े की दुकान है, मैं तो बैठा रहता हूँ. भाई बैठे रहते हो, खड़े हो जाओ थोड़ी देर बाद, हर घंटे में ब्रेक ले लो, गो सीढ़ी चढ़ के उतर जाओ, दौड़ के वापस आ जाओ, दौड़ के जाओ, पानी पी के वापस आ जाओ, व्हाट्स द बिग डील. तेज चल के चले जाओ, ऑफिस है, डेकोरम रखना है. सो एवरी आवर टेक अ वॉक ऑफ 2 मिनट्स. 2 मिनट्स में कुछ हो जाएगा? नहीं हो जाएगा. सो देर आर वेज टू डू थिंग्स, देर आर वेज टू एक्सरसाइज इवन इफ यू डोंट हैव द स्लाइटेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, राइट. एंड दैट्स हाउ यू कैन मेंटेन योर मसल्स, दैट्स हाउ यू कैन मेंटेन कि भाई हाथ पैर सुकुड़ ना जाए, राइट, बॉडी पतली ना हो जाए. सो यू नीड टू नो द बेसिक्स देयर.
राइट. एनीवेज, सो दिस इज अबाउट एक्सरसाइज. देन कमिंग ऑन टू मेडिटेशन. नाउ मेडिटेशन योगा इज वेरी गुड, बट यू डोंट, कई लोग अब आजकल मिक्स कर देते हैं योगा विथ एक्सरसाइज. योगा इज नॉट अ डिफिकल्ट पोस्चर. हम डिफिकल्ट पोस्चर कर लेंगे तो जल्दी रिजल्ट आ जाएगा. नो, योगा इज पीस ऑफ माइंड. अगर आप योगा करते समय, अगर आप मेडिटेशन रादर पीस ऑफ माइंड मेडिटेशन करते समय अगर आप रिलैक्स नहीं हो, इफ यू आर नॉट एबल टू रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड, सो इट्स यूजलेस. इट्स यूजलेस, राइट. यू नीड टू रिलैक्स योर माइंड, टेक डीप ब्रेथ्स, तभी होगा. राइट, डीप ब्रीदिंग इज एक्यूट ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस. अगर कभी आप स्ट्रेस हो, कोई पैनिक की सिचुएशन है, डीप ब्रीदिंग विल ट्रीट यू ऑफ दैट. एंड योगा विल हेल्प एंड अदर थिंग्स विल हेल्प. सो ये दो चीज़ें आप अगर करें मिनिमम तो हेल्प मिलेगी. योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, राइट. योगा मेडिटेशन साथ में बोल रहा हूँ, आप अलग से भी कर सकते हो, नो बिग डील. ऑल राइट, सो दिस इज अबाउट स्ट्रेस एंड हार्मोनल इम्बैलेंस. राइट, हार्मोनल इम्बैलेंस हैव वी कवर्ड अर्लियर इन द पार्ट ऑफ द वीडियो. राइट, थैंक यू सो मच. कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिए, एंड वील बी अगेन स्टार्टिंग द सेशन लेटर ऑन. थैंक यू.